चलिए घड़ी की सुई ने आपके फेवरेट शो का इशारा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल, पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। दो दिन से महाराष्ट्र जल रहा है आरक्षण की आग में, 8 जिलों में बवाल है। मुंबई पुणे हाईवे ठप है, बीड़ और उस्मानाबाद में कर्फ्यू लगा है, बाजार स्कूल कॉलेज इंटरनेट सेवाएं सब बंद है। कॉलिंग कार्ड में बताएंगे आरक्षण की चक्की में कैसे पिस रहा है आम आदमी। एक आरक्षण ने महाराष्ट्र को परेशान कर रखा है तो दूसरे ने बिहार को। बिहार में टिकट का टेंशन है, छठ और दिवाली के चक्कर में हवाई टिकट कई गुना ज्यादा महंगे हो गए हैं। 4000 का टिकट 20-21-22 हजार रुपए में मिल रहा है। 280 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेंगी, पर उनका टिकट किस किस को मिलेगा और कैसे मिलेगा, सिग्नेचर स्टोरी में आप पब्लिक के टिकट का सफरनामा देखेंगे। आधे हिंदुस्तान का डाटा लीक हो गया, 81 करोड़ लोग इसका शिकार बने हैं। आधार और पासपोर्ट की डिटेल लीक कैसे हुई, डाटा चोरी और डार्क वेब वाले ट्रैप की पूरी फाइल खोलेंगे। साथ ही एप्पल वाले जासूसी कांड के आरोप पर कहां से आया जांच का ऑर्डर, ये भी बताएंगे। सरकार आम आदमी से पाई पाई का हिसाब लेती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से क्यों नहीं लिया जाता, उन्हें चंदा कौन देता है, मोटी रकम कहां से आती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी सवाल पर बहस हो रही है। फैक्ट फाइंडिंग में चंदे वाली राजनीति और उसके धंधे का लेखा जोखा। मराठा आंदोलन की आग कब और कैसे बुझेगी, ट्रेन प्लेन के टिकट पर मचा मारी मारी कैसे समाधान निकलेगा इसका, ये टिकट की मारामारी कैसे खत्म होगी, ये सब खबरें आपको तफसील से बतानी है। पर पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। कल ईडी की ओर से एक बड़ा अपडेट आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में समन मिला। अब 2 नवंबर को केजरीवाल से कथित शराब घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। खबर सामने आते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है। लड़ाई ये है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अब खत्म कैसे करेंगे, आप इनकी लीडरशिप को जो है जेल में डाल दीजिए, पार्टी खत्म हो जाएगी। इधर बीजेपी कथित शराब घोटाले का कर्ता धर्ता केजरीवाल को बता रही है। ये सब सुप्रीम कोर्ट का पार्ट में पड़ रहा हूं। तो ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तबाह क्यों मची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक के आवास पर ईडी की दस्तक। कुछ इस तरह दिल्ली से उठी कथित शराब घोटाले की आंच पंजाब में अपने पैर पसार रही है। आज चंडीगढ़, मोहाली और अमृतसर में आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी। कुलवंत सिंह पर पड़ी रेड ने पंजाब की राजनीति में उबाल ला दिया। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शराब घोटाले का फायदा सीएम भगवंत मान को भी मिला है। हालांकि इस रेड पर ईडी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ यूपी में इनकम टैक्स के छापे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल में कैद हैं, लेकिन जांच एजेंसियां उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। इसी कड़ी में आईटी आजम खान के करीबी और ठेकेदार फरहत अली के घर रामपुर पहुंची थी। 34 घंटों तक आईटी की छापेमारी चली। आईटी डिपार्टमेंट की यह धरपकड़ रामपुर में कई दिनों से जारी है, 13 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। इस बीच आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव पास हो गया है। एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। कानपुर की एक महिला ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की क्राइम स्टोरी ने जिले को डरा दिया है। 30 अक्टूबर को कानपुर के एक कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशाग्र ट्यूशन के लिए घर से निकला, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 16 साल का कुशाग्र 10वीं का स्टूडेंट था। उसके किडनैप होने के बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन किडनैपर्स ने कुशाग्र की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुशाग्र मर्डर केस में उसकी लेडी ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एक तो प्रदेश सरकार ही दावे करती है कि प्रदेश में अपराधी साफ हो चुके हैं, तो जेल में कहां से नए अपराधी बन गए। गाजा पर धुएं का पहरा लगातार बना हुआ है। इसराइल के हमले जारी हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसराइल की सेना गाजा पट्टी को घेरे हुए है। हवाई हमलों के अलावा अब IDF जमीनी हमलों की तीव्रता भी बढ़ा रही है। इसराइल के नॉन स्टॉप बारूदी अटैक पर UN ने भी चिंता जताई है, क्योंकि IDF के हमले अस्पतालों के आसपास भी हो रहे हैं। हमास से जंग के बीच गाजा पट्टी को खाली कराने की कोशिश में नेतन्याहू ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से अपील की है कि वो
गाजा के शरणार्थियों को रखने के लिए इजिप्ट से बात करें। इसराइल चाहता है कि जो गाजा पट्टी के निवासी हैं और जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं, उन्हें इजिप्ट अपने यहाँ बुला ले। हालांकि इसराइल का ये कथित फॉर्मूला अरब देशों को पसंद नहीं आ रहा है। कहते हैं एमपी अजब, तो यहाँ की सियासत गजब है। एमपी में बयानों की एक अजीब सियासत जारी है। पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का अजीब बयान आप खुद ही सुनिए। प्रियंका जी को लोग देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और मोदी जी को सुनने आते हैं लोग, देखने नहीं आते। अब इनसे मिलिए। ये कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जी हैं। वोटिंग में अभी वक्त है, रिजल्ट तो दिसंबर में आएंगे, लेकिन ये कांग्रेस की जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हैं। 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के समारोह। पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव। लगता है जनता को ऐसे बयानों की आदत डाल लेनी चाहिए। नोएडा के अपार्टमेंट की लिफ्ट में विवाद इन दिनों आम बात हो चुकी है। प्रमाण है ये लेटेस्ट वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट में एक बुजुर्ग और एक महिला के बीच कहासुनी हो रही है। देखते ही देखते तीखी बहस हाथापाई में बदल जाती है और बुजुर्ग शख्स महिला को थप्पड़ जड़ने लगता है। एक महिला से हाथापाई करने वाली ये जनाब रिटायर्ड IAS है, नोएडा के पॉश सेक्टर 108 में रहते हैं, नाम है RP गुप्ता। अब इस वायरल विवाद की वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि पूर्व IAS ने महिला को लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने से मना किया, जिस पर मामला इतना बढ़ा कि बात हाथापाई पर आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस कैश पर मत जाइए, असल में ये सब नकली है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने करोड़ों के नकली नोटों का भंडाफोड़ किया। नोट की एक गड्डी के ऊपर वाला नोट असली और बाकी सब नकली। इसी तरह ये लोग छोटी कंपनियों और NGO को चपत लगा देते हैं। 3 शातिर इस मामले में गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इनका सरगना अभी फरार है। इस गैंग के पास से पुलिस ने 2 लाख के असली और 8 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। अब खबर उस राज्य की जहां 2 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट भी बंद है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग थमने का नाम नहीं ले रही। आरक्षण की मांग को लेकर छिड़ा आंदोलन अब 8 जिलों तक फैल चुका है। ये आंदोलन हिंसक हो चुका है और इसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान भी हो रहा है। कुछ अपनी सियासी मजबूरियों के सामने सरकार बेबस है, तो कुछ आंदोलनकारी भी अपनी आक्रामकता कम नहीं कर रहे। पर इस पूरे घटनाक्रम से नुकसान किसको हो रहा है, कीमत चुका कौन रहा है और आगे कौन चुकाएगा? आंदोलन मराठा समाज का। मांग मराठा आरक्षण की, लेकिन मांग मनवाने का तरीका ऐसा। सांगली में ये बस आंदोलनकारियों की पत्थरबाजी का शिकार हो गई। उधर पुणे हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियों के चक्के थम गए। मुंबई सतारा हाईवे पर आंदोलनकारियों ने जाम लगा दिया। अहमदाबाद जा रहे थे, लेकिन 3 घंटा से खड़ा है सर इधर। क्या चल रहा है ये, क्या है पता नहीं है, ऐसे ही जाम में फंसा है सर 2 घंटे से खड़े। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये अभी चक्का जाम किया था उन्होंने। किसने? ये लोगों ने आंदोलन अभी दोपहर से 11:30 से खड़े, थोड़ा 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 खिसक रहे। जो लोग इस हाईवे से गुजर रहे थे वो अब मराठा आंदोलन के चलते हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने इस एम्बुलेंस को भी नहीं देखा। मराठा आंदोलन का असर मराठवाड़ा के सभी 8 जिलों बीड, जलगांव, जालना, परभणी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, हिंगोली के साथ ही पुणे और अहमदनगर तक पहुंच चुका है। अपने मुद्दों पर डटे मराठा आंदोलनकारी इस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और सरकारी बसों और इमारतों को नुकसान पहुंचाना उनका गुस्सा जतलाने का तरीका है। इसका असर सिर्फ आम जनता पर ही नहीं हो रहा, बल्कि खास लोग भी आंदोलन कर रहे लोगों के निशाने पर हैं। हम लोग घर में थे मौजूद, बच्चे भी थे, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करके पीछे
दीवार से हमारे जो पड़ोसी है बालेपीर एरिया के हमारे कुछ कर्मचारी, इन्होंने बच्चों को बाहर निकाला कंपाउंड वॉल के ऊपर से, बाकी फैमिली मेम्बर्स हम लोग अंदर ही थे फिर। और यहाँ पर जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मॉब को एंटर अंदर नहीं कर सके, वो पीछे के साइड से कंपाउंड वॉल बड़ी है और सामने से सारे गाड़ियों में आग थी, उसके वजह से ये लोग अंदर नहीं आ सके, नहीं तो हमारी जान को कल यहाँ पर खतरा कल शाम के वाकये से हुआ था। आंच इतनी तेज होती जा रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन सरकार को आशंका है कि आंदोलन को जानबूझकर हिंसक बनाया जा रहा है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम खुद मराठा समाज से आते हैं, लेकिन मराठों पर उनकी अपील बेअसर दिख रही है, क्योंकि सड़कों पर उतरे मराठा नौजवान आरक्षण मांगने के लिए किसी भी हद तक गुजरने की बात करने लगे हैं, यानी अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्हें हिंसा से भी कोई गुरेज नहीं। आणि प्रथम मला सरकारला हे सांगायचं आहे की मराठ्यांना आरक्षण हे मिळालंच पाहिजे। हा जो मुद्दा, ही जो जाळपोळ आहे, हे मराठे करत नाहीयेत, ही वास्तविकता आहे। आणि आरक्षण 40 दिवस सरकारने घेऊनही 40 दिवस घेऊनही सरकारने आरक्षण दिलेलं नाही, देतो म्हणून दिलं नाही। आणि यामध्ये काय व्हायला लागले, 1.5 कोटी जनता, 1.5 कोटी मराठा समाज जरांगे पाटलाच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित आला। फिलहाल ये आंदोलन महाराष्ट्र के गिनती के जिलों तक सीमित है। सरकार के सामने चुनौती दोहरी है, सड़कों पर उतरे मराठाओं की मांग को मानना और मनाना, साथ ही आंदोलन की आग को जल्द से जल्द बुझाना, जिसके लिए महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरक्षण की मांग को लेकर वैसे मराठा समाज ने कुछ दिन पहले भी आंदोलन किया था, तब सरकार और आंदोलनकारी साथ बैठे, आरक्षण की डेडलाइन तय हो गई और आंदोलन वापसी का फार्मूला निकल गया था। लेकिन इस बार आरक्षण को लेकर मराठा समाज का रवैया अड़ियल है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर शिंदे सरकार की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार आंदोलन ज़्यादा हिंसक है। भीड़ और धाराशिव पूरे दोनों जिले हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। भीड़ में धारा 144 लागू है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इस आंदोलन का केंद्र भीड़ है और सबसे ज्यादा हिंसा यहीं पर हुई है। करीब 50 बसों में तोड़फोड़ की गई है। 2 एनसीपी विधायकों के घर पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। संदीप शीरसागर और प्रकाश सोलंके दोनों एनसीपी के विधायक हैं और अजीत पवार गुट के जुड़े हुए हैं। हिंसा संभाजी नगर में भी हुई, यहां बीजेपी विधायक प्रकाश बम के घर में तोड़फोड़ हुई। जालना में क्या हुआ, जालना में मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे पाटिल का अनशन चल रहा है, वहीं पर यह सारा गढ़ बना हुआ है। वहां पर पंचायत समिति के दफ्तर में आगजनी की गई और ट्रैक पर जाम करके वहां ट्रेनों को रोका गया। इसके अलावा पुणे बेंगलुरु हाईवे को भी चक्का जाम कर दिया गया, लोगों ने पूरी तरह से वहां यातायात ठप रखा। मराठा जो कम्युनिटी है वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये दो बार महाराष्ट्र सरकार साबित, दो अलग अलग सरकारों ने रिजर्वेशन दिए अलग अलग पार्टियों के, दोनों सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए, क्योंकि ये चीज़ नहीं साबित कर पाए। वो जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सब कुछ तो टेक्निकलिटीज़ पे रुका हुआ है, ये एक बहुत मेजर टेक्निकल फ्लॉ है दोनों चीज़ों को। इसको दूर किए बिना पॉसिबल ही नहीं है रिजर्वेशन देना। सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को ले जाके समझाना है और वहाँ टिक सके इस तरह के मुद्दे रखने हैं, तो ये मुद्दे रखने के लिए सरकार को टाइम चाहिए। ऑब्वियसली आरक्षण के मुद्दे पर पूरा मराठा समाज लामबंद है, सड़क पर हिंसा और बवाल हो रहा है। फिर भी इस आंदोलन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मराठा आंदोलन में समर्थन
जिन प्रदर्शनकारियों को मिल रहा है, मुंबई में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अलग अलग तरीका अपनाया जा रहा है। लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया है, वहां पर उल्टा अपने सिर के बाल मुंडवाकर उसका विरोध जताया। एक तस्वीर परभणी जिले से भी सामने आई, जहां पर आंदोलनकारियों ने लोगों को पथराव और आगजनी की बजाय सड़क पर उतरकर भजन कीर्तन किया। यह उनके विरोध का अपना अलग तरीका है। मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा या नहीं, सरकार आरक्षण देगी तो कैसे देगी, महाराष्ट्र सरकार इसी को सुलझाने की कसरत में लगी है। फैसला जो भी होगा वो जल्द सामने भी आ जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के चलते मुसीबत जनता को झेलनी पड़ रही है। आंदोलन लंबा खिंचा तो नुकसान और बढ़ेगा। खासकर अगर हम महाराष्ट्र की चीज़ें जोड़े तो प्याज हुआ, संतरा हुआ, गन्ना हुआ, बहुत सारे महाराष्ट्र के ज़िले हैं जो इनकी खेती करते हैं, पैदावार करते हैं, इसलिए वहाँ से दिक्कत बढ़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार के बाद अब खबर केंद्र सरकार से जुड़ी। सर्वेलेंस के आरोप पहले ही लगते रहते हैं, लेकिन आज नया आरोप एप्पल की तरफ से आए नोटिस को लेकर लगा है। ये नोटिस विपक्ष के कई नेताओं के पास आया, महुआ मोइत्रा हो, सीताराम येचुरी हो, राघव चड्ढा हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, पवन खेड़ा हो, इन तमाम को एप्पल का नोटिस आया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके फोन पर साइबर अटैक या हैक उसको कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, सरकार पर आरोप लगाया और खड़ा हो गया नया विवाद। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बड़ा करके दिखाया है। मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल की तरफ से आए ईमेल की प्रिंटेड कॉपी दिखाई। जासूसी के इल्जामों का जिन इसी पर्चे से बाहर निकला। बात सीधी केंद्र सरकार पर आई। राहुल ने फोन टैपिंग का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। राहुल के इल्जाम इतने ही नहीं थे, पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल ने जो नोटिस दिया उसका जिक्र कल राहुल ने अदानी को भी रडार पर लिया। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते। राहुल के बोलने की देर थी, विपक्ष के कई नेता तुरंत एक्टिव हो गए और जासूसी के बहाने खतरा लोकतंत्र को बता दिया। बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बात को बढ़ता देख सरकार की तरफ से रिएक्शन आया। रेल मंत्री की तरफ से, जो थोड़ी देर पहले तक आईटी मंत्री भी थे, कहा जांच होगी और एप्पल कंपनी से भी डिटेल्स मांगे हैं। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। दो साल पहले भी इसी तरह की बात उठी थी। इजरायली कंपनी पेगासस के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फोन में डिजिटल तांकझांक की बात हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, लेकिन किसी निर्णायक स्तर तक नहीं गई। अब जब 5 राज्यों के चुनाव सिर पर है, फोन हैकिंग का ये विवाद किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। जासूसी और डाटा चोरी के चर्चे सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं है, देश की 140 करोड़ आबादी में से 81 करोड़ 50 लाख का डाटा लीक भी हो गया है। ये डाटा डार्क वेब पर बेचा भी जा रहा है। हिंदुस्तानियों के होश उड़ाने वाला ये दावा अमेरिका की सिक्योरिटी फर्म री सिक्योरिटी ने किया है। ये सब हुआ कैसे और कौन है जिन्होंने ये किया, वो कौन से टिप्स हैं जिससे आप अपना आधार कार्ड
सुरक्षित रख सकते हैं। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपके फायदे की खबर है। आधे हिंदुस्तान का पर्सनल डेटा लीक कैसे हुआ? इक्यासी करोड़ से ज्यादा आधार और पासपोर्ट की जानकारी किसने चुराई? जिन 81 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ वो कैसे खुद को फ्रॉड से बचा सकते हैं? खबर बहुत चौंकाने वाली है क्योंकि मसला आपकी निजी जानकारी का है जिस पर डाका पड़ा है। साइबर हैकर्स चुराए गए पर्सनल डाटा को डार्क वेब पर ऑनलाइन बेचने की फिराक में है, ये दावा किया है अमेरिका की टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म री सिक्योरिटी ने। फर्म ने डेटा चोरी की पूरी डिटेल्स भारत से साझा की है। रिपोर्ट क्यों टेंशन बढ़ाने वाली है और डाटा चोरी हुआ कैसे, इसका तफसील से जिक्र किया गया है। 81 करोड़ 50 लाख भारतीयों के आधार कार्ड का डाटा लीक हुआ। एक नाम से एक थ्रेट एक्टर ने ब्रीच फोरम पर एक थ्रेड पोस्ट किया। अमेरिकी कंपनी को $80,000 यानी करीब 67 लाख रुपए में डाटा बेचने का ऑफर भी दिया। इस पूरे मामले में जब हमने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी चाही तो उनका कहना था इस गंभीर मामले की जांच की जा रही है और जल्दी ही जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मगर जानकार सूत्रों का कहना है कि कंपनियों की तरफ से साइबर सिक्योरिटी में ही कुछ कमजोरियां पाई गई थी जिसका फायदा हैकर्स ने उठाया और इतना बड़ा डाटा चोरी का मामला सामने आया। यानी खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके आधार कार्ड की डिटेल्स ना चुरा पाए और कैसे आपका आधार कार्ड सेफ हो, साथ ही डेटा लीक से भी निजात मिल जाए, तो आपको बस ये करना है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं, मई आधार टैब पर जाएं और आधार सर्विसेज सिलेक्शन पर क्लिक करें। आधार लॉक / अनलॉक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब अनलॉक UID ऑप्शन चुनें। यहां आपको 16 डिजिट की वर्चुअल ID दर्ज करानी होगी। सेंड OTP बटन पर क्लिक करें, OTP दर्ज करें, आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। अगर ऐसा करना मुश्किल लगता है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से भी आधार कार्ड को सेफ कर सकते हैं। कैसे, अब ये भी जान लीजिए। सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में जाएं, फिर गेट OTP लिखकर 1947 यानी 1947 पर SMS भेजें। जब OTP आएगा तो एक दूसरा SMS सेंड करें, फिर आधार की आखिरी 4 डिजिट जो OTP आया है उसे लिखें। टाइप करके 1947 यानी 1947 पर फिर मैसेज करें। इसके बाद UIDAI कंफर्मेशन का मैसेज भेज देगा। ऐसा करते ही आपका आधार कार्ड सुरक्षित हो जाएगा और धोखाधड़ी के चांस कम हो जाएंगे। दुनिया जितनी डिजिटल होती जाएगी चुनौतियां भी वैसे ही बढ़ेंगी। जरूरी है जानकार रहें, जागरूक रहें और अपनी डेटा प्राइवेसी को बचा कर रखें। किसी का पर्सनल डाटा लीक होना मामूली बात नहीं है, इससे सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बैंक अकाउंट से लेकर आपकी प्रॉपर्टी तक की चपत लग सकती है आपको। पिछले 5 सालों में कितने डाटा लीक के केस हमारे देश में हुए ये जानते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक डाटा लीक के महज 47 और डाटा ब्रीच के 147 केस हुए। इंडियन कंज्यूमर एमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट में इसका खुलासा होता है। पिछले 5 साल में डाटा लीक होने के कारण कितने लोगों को बैंक फ्रॉड का सामना करना पड़ा, अब इसकी सच्चाई सुनिए। साल 2019-20 में 73,777 लोगों से धोखाधड़ी हुई और उन्हें 266 करोड़ रुपये का चूना लगा। साल 2020-21 में 70,228 इतने लोगों को फ्रॉड का शिकार बनना पड़ा और 216 करोड़ रुपए की रकम जालसाज उड़ा कर ले गए। साल 2021-22 का आंकड़ा देख लेते हैं, 58,000 लोगों को इस तरह के केसों का शिकार होना पड़ा और ठगों ने 180 करोड़ रुपए का चूना लगाया उन्हें। अब इस धोखाधड़ी से बचना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। एटलीस्ट अपने लोकल थाने पर जाएं और पुलिस को रिपोर्ट करें कि खबर मिली है कि इतना सारा
करीबन 81 करोड़ भारतवासियों का डेटा चला गया है। हो सकता है मेरा डेटा भी उसके अंदर मौजूद हो। अगर मेरे डेटा का दुरुपयोग होता है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है और मुझे कोई कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ एटलीस्ट आप लिखित में अपने पुलिस थाने में ज़रूर दे देंगे तो वो शो कर गया कि आप कहीं ना कहीं ड्यूली डिलिजेंट हैं। और फिर सावधान हो जाइए, जैसे कोई आपको खबर मिले कि आपका आधार नंबर को लेकर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करें। अगर पहले आपने पुलिस को रिपोर्ट की होगी तो वो रिपोर्ट आपको आने वाले समय में बेनिफिशियल होगी। आज की डेट में डाटा लीक होना बड़ी चिंता है। डिजिटल युग है, अगर घर परिवार धन दौलत तमाम चीज़ें जो होती हैं, किसी भी चीज़ का पता लगाना हो तो दस्तावेज अहम होते हैं। आजकल सबके डॉक्यूमेंट डाटा बेस्ड हैं, मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड भी हैं। सरकार के आदेश पर ही ऐसा हुआ है, हर देशवासी ने दस्तावेज को ऑनलाइन किया है। तो अब ये हमारी जानकारियाँ किसी दूसरे या असुरक्षित हाथों में ना जाएं, इसे रोकने का काम और जिम्मेदारी भी सरकार की है। अच्छा, बिहार में छठ को लेकर गहरी आस्था होती है, सब जानते हैं। जब भी ये त्यौहार आता है हर बिहारवासी अपने शहर अपने गांव जाना चाहता है। जाहिर है हर कोई अपने घर जाकर अपनों के बीच में मनाना चाहता है इन त्यौहारों को, है ना। लेकिन इस साल हो सकता है बहुत से लोग अपने घर ना जा पाए, ये त्यौहार मनाने की ख्वाहिश उनकी वहाँ अधूरी रह जाए। वजह क्या है इसकी? वजह है रेल और हवाई टिकट जो इतने महंगे हो चुके हैं कि उनके लिए 4-5 गुना ज़्यादा दाम चुकाना पड़ सकता है। ट्रेन की टिकट में वेटिंग इतनी लंबी है कि उसका कन्फर्म होना मुश्किल नज़र आ रहा है और फ्लाइट के दाम आसमान छूने लगे। दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन हो या फिर आनंद विहार, किसी भी स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। बिहार की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनें छठ पूजा से पहले हाउसफुल हो गई हैं। हवाई टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जो टिकट पहले 4,000 रुपए का था वो अब 22,000 रुपए का हो गया है। ये हाल तब है जब छठ पूजा में आधे महीने से ज्यादा का समय अभी बाकी है। यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, उसके बाद छठ का त्यौहार है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने गांव अपने घर पहुंच सके और इसी कोशिश में लगातार लोग रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है लेकिन जिनको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पा रही वो लोग कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टेशन आकर यहाँ पर किसी तरह से उन्हें टिकट मिल जाए। अगर आप IRCTC की साइट पर टिकट बुक करना चाह रहे हैं पर हर कोई घर जाना चाहता है वो भी छठ पर, एक तरफ लंबी होती जाती वेटिंग लिस्ट है तो दूसरी तरफ उम्मीद कि शायद कुछ रास्ता बन जाए टिकट कंफर्म होने का। अब पहले जैसी बात तो रही नहीं कि वेटिंग का ऑनलाइन टिकट लेकर आप ट्रेन में चढ़ सके। दिल्ली से पटना वापसी या फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए कितना किराया कम हो रहा है, लेकिन अफसोस किराया कम नहीं होता है बल्कि हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में दो में से कोई एक बात चुननी पड़ती है, या तो ज्यादा रकम चुकाकर अपने लोगों से मिलने की तमन्ना पूरी कर पाए या फिर अफसोस करें। छठ पूजा के वक्त एक कंफर्म टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने या लॉटरी का टिकट खोलने से कम नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है जो भीड़ के चलते जनरल बोगी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं करना चाहते। इनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे और वो लोग होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बड़ा सच ये भी है कि छठ पूजा से 2 से 3 महीने पहले ही टिकट बुक होने लगते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को टिकट नहीं मिलता और वो बिना बिहार जाए ही रह जाते हैं। हर साल रेलवे इस समस्या को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाता है लेकिन इसके बाद भी कन्फर्म टिकट की किल्लत दूर नहीं हो पाती। इस बार रेलवे ने छठ पूजा के लिए 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है जो 4,480 फेरे लगाएंगी।
रेलवे जो दावे कर रहा है कि इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद दी जा रही है कि उनको घर जाने में आसानी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिल नहीं पा रही है, जो टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों की आबादी को देखते हुए ये ट्रेनों की संख्या ऊँट के मुँह में जीरा जैसी है। रेलवे एक्स्ट्रा ट्रेन के नाम पर अपना पल्ला झाड़ लेता है, उधर लोगों की मजबूरी का फायदा दलाल उठाते हैं जो एसी टिकट के लिए दुगने से तिगुने दाम वसूलते हैं। ट्रेन का भी कोई अच्छा हाल थोड़ी है, एक एक टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन में, सारा फुल हो गया है ट्रेन, कोई नया ट्रेन नहीं। उस समय यही कॉन्सेप्ट हुआ जो प्रधानमंत्री जी का आया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 15,000-20,000 में तो जूता और सूट बूट वाला भी हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता है, हवाई चप्पल वाला कहां से चढ़ेगा। जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा दाम देकर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जिनकी आमदनी कम है वो टिकट की रेस से बाहर हो जाते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से भी घर लौटने की मारामारी इस समय खासी बढ़ जाती है। रेल आम आदमी की खास सवारी होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका किराया जो दूसरे यातायात के मुकाबले कम होता है, इसलिए किसी भी आम आदमी की पहली पसंद ट्रेन होती है। लेकिन छठ पूजा से पहले यही ट्रेन पकड़ से बाहर हो जाती है। छठ पूजा पर हर साल दिल्ली मुंबई बेंगलुरु से पटना के लिए करोड़ों यात्री ट्रेन से सफ़र करते हैं, इसीलिए छठ पूजा से 2-3 महीने पहले सारे टिकट बुक हो जाते हैं। जो लोग आखिरी वक्त का इंतज़ार करते हैं उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। अब बात आ गई कि सरकार इस दिक्कत को समझती है, सबको पता है कि दिवाली और छठ पर बिहार की रेलगाड़ियों में इस तरह से होता है, इसीलिए रेलगाड़ियाँ और फ्लाइट्स फुल हैं, लिहाजा रेल मंत्री खुद इसके लिए सामने आए और अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि 283 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। एक बात और, जितने पैसे में छठ के मौके पर पटना का हवाई टिकट आ रहा है उतने पैसे में तो विदेश की सैर बड़ी आसानी से हो सकती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं, फेस्टिवल सीजन में बिहार इतना डिमांड में कैसे आ जाता है। आमतौर पर दिल्ली से पटना का एक तरफ जो एयर टिकट है वो 5-6 हज़ार रुपये के बीच में रहता है, 4 से लेके 6 हज़ार के। अब 10 नवंबर यानी दिवाली से पहले दिल्ली से पटना जाने वाली स्पाइसजेट की फ़्लाइट का जो टिकट हमने ऑनलाइन चेक किया वो है 11,773 से 13,873 रुपये के बीच में मिल रहा है। एयर इंडिया का 16,683 से लेकर 17,943 रुपये तक आ रहा है। इंडिगो का 16,750 से 18,550 रुपये तक का टिकट मिल रहा है। और दिवाली से एक दिन पहले जो हमने चेक किया यानी 11 नवंबर को, तो स्पाइसजेट का जो है 11,773 से 12,771 तक आ रहा था। एयर इंडिया का 14,804 रुपये से 16,800 रुपये के बीच में आ रहा था। देखिए टिकट के किराए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली NCR का दम घुट रहा है, ये अगली खबर पर हम चले गए हैं। और क्या है, क्यों हांफ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है राजधानी की जनता का सांस फूलने की प्रदूषण। सरकार आबो हवा को साफ करने के दावे तो करती है लेकिन वादों का हुआ क्या, पूरी खबर आपको दिखाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर सुनवाई की है। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली NCR की हवा में फिर से जहर घुल चुका है। हर साल इस मौसम में दिल्ली के आसमान में स्मॉग छा जाता है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि अब आसपास साफ दिखाई भी नहीं देता, बहुत देर तक धुआं धुंध टाइप रहता है। प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद तभी नजर आती हैं जब दिल्ली NCR में सांस घुटने लगती है। लेकिन बात अब सिर्फ चिंता करने वाली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए आपने। इस मुद्दे पर अब 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार को ये जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये बताना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तब तक क्या दिल्ली की हवा दुरुस्त होगी, क्योंकि हर साल 15 लाख लोगों की भारत में वायु प्रदूषण से मौत होती है और दिल्ली इसमें बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ ज़्यादा लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। वायु प्रदूषण मौत में 5
सबसे बड़े जो कारण है, या यूं कहें कि जो जानलेवा राक्षस है ये, जो वक्त के साथ साथ यहाँ प्रदूषित इलाकों में और बड़ा हो रहा है, यही वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना पड़ा है। दिल्ली को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बता चुकी है, यानी दिल्ली सांस लेना, दिल्ली में सांस लेना गैस चैम्बर से कम नहीं है कोई। दूसरी बात, दिल्ली सरकार का दावा क्या है? दिल्ली सरकार कहती है प्रदूषण को खत्म करने के लिए उसने बड़े ठोस कदम उठाए हैं, काम हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दिल्ली में ये मौसम आते ही जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो अंधेरा सा क्यों छा जाता है? दिल्ली वालों की सांसों में जहर क्यों घुल रहा है? दिल्ली का हाल सरकार के दावों की हवा खुद खुद क्यों निकाल रहा है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीन पर जो काम आप कह रहे हैं किया गया है वो नजर नहीं आता। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने पराली जलाने से रोक लगाई जो आसपास के इलाकों में भी जलती है, राज्यों में जलती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि आसपास के राज्यों में जो ये पराली जलाने का किस्सा है, इसकी घटनाएं बढ़ने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। वहीं खुले में कचरा जलाने पर दिल्ली सरकार ने रोक लगाई। साथ ही ये भी दावा किया कि कंस्ट्रक्शन से पहले परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। डीजल जेनसेट पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है, ये भी बताया गया। दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ दिल्ली वालों को बीमार नहीं करती है, ये आसपास बसे शहरों पर भी बुरा असर डालती है। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि आप नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो अच्छी और साफ हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये आपका वहम है, भ्रम है। किसी भी शहर की खराब हवा का पता जो चलता है उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है। दिल्ली का AQI 450 है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा खराब हालत में है। नोएडा का AQI क्या है? 303 है, यानी हवा नोएडा की भी बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरह फरीदाबाद का 300 है और गाजियाबाद का 272, और गुरुग्राम के AQI की बात करें तो वो 203 है। यानी दिल्ली NCR का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां हवा साफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल दिया और उम्मीद ये जताई कि शायद आने वाले समय में ये अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली कुछ और कदम उठाएगी। दुनिया में 66 लाख लोग मरते हैं प्रदूषण की वजह से, ये हमने सारा आंकड़ा आज जुटाया। इसकी वजह से देश में 16 लाख, याद है ना, दिल्ली सरकार ने ऐसी कई सड़कें भी चुनी थी जिनमें ट्रैफिक को फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था, या ये कहा गया था कि ट्रैफिक वहाँ लाइट पर आप नहीं रुकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण हो सके, लेकिन क्या ये संभव हो पाया? प्रदूषण रुका या नहीं? ब्रेक के बाद अब बात करनी है चुनाव की, और चुनाव में पार्टियों की तरफ से खर्च किए जाने वाले पैसे की। असल में चुनाव में पार्टियां बेशुमार पैसे खर्चती हैं, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव बड़ा खर्चीला सौदा है, राजनीतिक दल इसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो जनता सियासी दलों का भविष्य तय करती है, क्या उसे ये जानने का अधिकार है कि पार्टियों को मिलने वाला चंदा आता कहाँ से है? कौन लोग हैं जो देश के तमाम दलों को लाखों करोड़ों रुपए के फंड देते हैं? ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में भी हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठी, क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान सामने नहीं आती है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन का जरिया बन सकता है और विदेशी कंपनियां या व्यक्ति इसे इनडायरेक्ट चंदा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या दलील रखी गई? अटॉर्नी जनरल ने कहा नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। नागरिक बेहतर चुनाव के लिए उम्मीदवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जान सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी राजनीतिक पार्टियां ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बंद सील कवर में इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की डिटेल्स दें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। 6 साल पहले 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। इसके बाद तमाम पार्टियों के चंदे का जरिया इलेक्टोरल बॉन्ड ही है। पिछले 2017 से 2022 तक के सारे चुनाव में पार्टियों को कितना चंदा मिला, जरा ये देख लीजिए।
चंदा हासिल करने के में सबसे आगे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। 5 साल में 5,271 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसका फंड 952 करोड़ रुपए मिला उनको। ममता बनर्जी की टीएमसी को 767 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले। तेलंगाना में सरकार चला रही बीआरएस को 383 रुपए दान के तौर पर चंदे में मिले। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी साहब की पार्टी वाईएसआरसी को पीछे नहीं रही, वो भी उसको भी 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला। तेलुगु देशम पार्टी की बात कर लेते हैं, 112 करोड़ रुपए के फंड हासिल किए उन्होंने। एनसीपी को 64 करोड़ रुपए मिले। ये मोटा मोटा हमने कुछ पार्टियों का हिसाब किताब आपको चंदे का बताया। हर पार्टी के इसी चंदे का हिसाब मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको अपनी पार्टी फंड के इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले दान का ब्यौरा देने को कहा है। चलिए, अब ये तो था चंदे का हिसाब किताब, अब आपके कमेंट्स का हिसाब किताब कर लेते हैं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कमेंट्स भेजे हैं, उन्हीं का वक्त है। आप जरा गौर कीजिए, अनंत कुमार थानवी जी लिखते हैं, सरकारी अनदेखी का परिणाम है केरल क्राइसिस, मराठा आंदोलन, फल सब्जियों के लिए सपोर्ट प्राइस का ना होना, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट को नज़रअंदाज करना। शुक्रिया थानवी साहब। आदर्श क्या लिखते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए आयोग के पास सारा डाटा होता है, फिर भी सभी अभ्यर्थियों को आवेदन मांगता है। 25 रुपये सभी अभ्यर्थियों से कमाने के लिए कट ऑफ घोषित किया जाता है। जो अभ्यर्थी कट ऑफ में होते हैं उनसे फिर से पैसा लिया जाता है। पेट परीक्षा से लूट परीक्षा, यानी आदर्श जी का कहना है कि पैसे बार बार मत लीजिए अभ्यर्थियों से। अब मेरे जाने का वक्त हो गया। आज का शो कैसे लगा आपको, इस पर फीडबैक जरूर आपने देना है। और कल रात फिर पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे होगी मुलाकात। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, शुभरात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।